हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी दैट इज़ द ड्रीमिंग ब्राह्मण। सो स्टोरी के थ्रू आपका वकैब, आपकी रीडिंग, प्रोनंसिएशन और न्यू वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और इसके थ्रू जिन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जो लोग हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्टोरी के थ्रू एक तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, उसको पढ़ पढ़ के हम बोर भी नहीं होते हैं, सुनते रहेंगे, बोर भी नहीं होंगे, और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इंग्लिश के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है इंग्लिश सीखने में। ओके, सो लेट्स बिगिन। एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊँगी, फिर इसका हिंदी में भी मैं आपको शो कर दूँगी, आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना, पढ़ भी दूँगी मैं उसको, और शॉर्ट्स वीडियो भी इसका मिल जाएगा हिंदी का। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आपको देखना है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जो लोग, इसे देख सकते हैं, सबके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अ पुअर ब्राह्मण यूज टू बेग फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी होता है भिक्षा मांगना या भीख मांगना, जो पुराने टाइम में लोग, जो पंडित लोग होते थे, वो अपने प्रजा लोगों से जाते थे और वही जो उनको मिलता था उसी से खा के अपना रोजी रोटी चलाते थे। ठीक है, सो एक गरीब ब्राह्मण आर्म्स यानी भिक्षा मांगते थे, बेग यानी मांगना। ठीक है, बेग यानी मांगना। ही केप द फूड ही रिसीव्ड इन एन अर्दन पॉट। ही केप द फूड, वो फूड को रखते थे, ही रिसीव्ड, वो जो उनको जो मिलता था, रिसीव्ड यानी पाते थे, उनको जो भी मिलता था या जो भी वो पाते थे, वो एक अर्दन पॉट में रखते थे, यानी कि वो फूड को एक अर्दन पॉट में रखते थे, उन्हें जो भी मिलता था वो एक अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी का बर्तन, अर्दन यानी अर्थ यानी मिट्टी, अर्थ, ठीक है, अर्दन यानी मिट्टी का बर्तन, पॉट यानी बर्तन। वन डे ही रिसीव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ राइस। वन डे, एक दिन उन्हें रिसीव्ड यानी मिला अ गुड अमाउंट ऑफ, यानी गुड अमाउंट यानी अच्छी क्वांटिटी में, अमाउंट यानी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में उन्हें राइस मिला यानी चावल मिला। तो एक दिन उनको क्या मिलता है, अच्छी मात्रा में चावल मिलता है, यानी अच्छा खासा मिल जाता है उस दिन। ही फिल्ड द पॉट विद द राइस एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। ही फिल्ड द पॉट, उन्होंने उसे बर्तन में भरा, फिल्ड यानी उसमें रखा, भर दिया, पूरा पॉट भर गया विद द राइस, राइस से वो पूरा पॉट भर गया। ही एंड वेंट ऑफ, चले गए टू स्लीप, सोने के लिए। सो ही फिल्ड द पॉट, उन्होंने पॉट को उस राइस से भरा और सोने चले गए। ही ड्रीम्ड, ये ड्रीम, ड्रीम माना होता है सपना देखना, ड्रीम्ड यानी सपना देखा। ओके, ड्रीम का मतलब होता है सपना, स्वप्न, और ड्रीम्ड यानी सपना देखा। तो उन्होंने क्या सपना देखा, दैट ही हैड सोल्ड द राइस फॉर अ हाई प्राइस। ही हैड सोल्ड, सेल का मतलब होता है बेचा, बेचना, और सोल्ड का मतलब बेचा, कि वो उन्होंने राइस को हाई प्राइस पे बेचा है, उन्होंने मतलब हाई प्राइस पे चावल को बेच दिया, ये सब सपना देख रहे हैं। विद दैट मनी, उस पैसे से, ही बॉट सम काउज, और उस पैसे से बॉट, तो बाय का मतलब होता है ख़रीदना, और बॉट उसका सेकेंड फॉर्म है, उसने सम काउस खरीदे, कुछ काउस खरीदे। दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, और वो काउस बहुत सारा मिल्क देती हैं, उस मतलब दे गेव, कौन दे रहा है, गाय। दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, गायों ने बहुत सारा मिल्क दिया है। विच ही सोल्ड, जिसे उसने बेचा, इन द मार्केट, मार्केट में उसने बेचा। ही बिकेम रिच एंड बॉट अ लार्ज हाउस, और वो बहुत अमीर हो गया। ही बिकेम रिच, ही बिकेम यानी हो जाना, या बिकम का मतलब होता है हो जाना, और बिकेम यानी हो गया, रिच यानी अमीर, एंड बॉट, और ख़रीदा, अ लार्ज हाउस, एक बड़ा सा घर खरीदा, वो बहुत अमीर हो गया और बड़ा सा घर खरीदा। सून, जल्दी ही, ही गॉट मैरिड, वो शादी भी कर लिया उसने। ही हैड अ सन, उसको एक बेटा है, हु वॉज वेरी नॉटी, जो कि बहुत शरारती है। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू स्टॉप क्रिएटिंग टू रकस, बट द सन डिड नॉट स्टॉप। एक दिन ब्राह्मण ने उसे बोला, स्टॉप क्रिएटिंग अ रकस, रकस का मतलब होता है हंगामा, शोरगुल। तो उसने क्या बोला कि मतलब स्टॉप क्रिएटिंग, वो जो रकस यानी कि जो शोरगुल कर रहा था, हंगामा कर रहा था, उसे रोकने के लिए कहा, बट उसका बेटा रुका नहीं। इवन हाल, जबकि उसकी जो, यहाँ तक कि, इवन यानी यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी बिजी थी और उसने भी नहीं सुना, उसे उसकी बात को नहीं सुना, उसने बोला और उसने नहीं सुना, ये सब सपने देख रहा है वो। सो द ब्राह्मण इन एंगर, तो ब्राह्मण ने गुस्से में, इन एंगर, सो द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने गुस्से में किक्ड हर, लात मारी, किक यानी पैर से मारना बोलते हैं, ठीक है, किक ढर, किसको, अपनी वाइफ को लात से मारा। बट इन रियलिटी, बट वास्तविकता में, सच्चाई में, इट वाज द पॉट, उस वो पॉट था जिसमें वो चावल थे, उसने उसको किक किया। द पॉट ब्रोक, बर्तन टूट गया। द डिस्टर्ब ब्राह्मण गॉट अप ओनली टू रियलाइज दैट इट वाज अ ड्रीम,
वो डिस्टर्ब हो गया था, परेशान होके ब्राह्मण उठ गया और उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना है, वो एक सपना था, ही हैड नो राइस नाउ। अब उसके पास चावल भी नहीं, क्योंकि टूट के सब मिट्टी मिट्टी में मिल गए। ओके, सो अब इसका हम देख लेते हैं हिंदी में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, स्वप्न देखने वाला ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगता था, प्राप्त भोजन को उसने मिट्टी के बर्तन में रखा। एक दिन उसे अच्छी मात्रा में चावल मिले, उसने बर्तन को चावल से भर दिया और सोने चला गया। उसने सपना देखा कि उसने चावल को ऊंचे दाम पर बेचा है, उन पैसों से उसने कुछ गायें खरीदे, उसने बहुत उस गायों ने बहुत सारा दूध दिया जिसे उसने बाजार में बेचा। वह अमीर हो गया और एक बड़ा सा घर खरीद लिया। जल्द ही उसने शादी कर ली, उसका एक बेटा था जो बहुत शरारती था। एक दिन ब्राह्मण ने उसे हंगामा बंद करने के लिए, यानी शोरगुल बंद करने के लिए कहा, लेकिन बेटा नहीं रुका। उसकी पत्नी भी जो व्यस्त थी, उसने भी उसकी एक न सुनी, तो ब्राह्मण ने गुस्से में उसे लात मार दी। लेकिन वास्तव में वह एक घड़ा था, यह वह घड़ा था जिसे उसने लात मारी थी। बर्तन टूट गया, ब्राह्मण परेशान होकर जाग उठा और उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था, अब उसके पास चावल नहीं थे। बच्चों, अब ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको एग्ज़ाम में भी आता है, जब थोड़े से पॉइंट दिए जाते हैं और बोला जाता है स्टोरी को कंप्लीट करो। तो यही सारे स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत फेमस फेमस स्टोरीज़ होते हैं, जैसे थर्स्टी क्रो, मंकीज हार्ट, ये सब मैंने अपलोड किया ऑलरेडी। तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा। आप सारी स्टोरीज़ देखते जाओगे, वैकेशन में आपको इंग्लिश भी सीखने में हेल्प मिलेगी, आपका आपकी रीडिंग, बहुत सारे बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इवन जो बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा 11th भी पढ़ के हो जाता है, 12th भी पढ़ के हो जाता है, उनको रीडिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अगर मराठी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है आगे चल के। अगर वो अदर मीडियम से हैं, ठीक है, वर्नाकुलर से हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये सारे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल हैं सबके लिए। ओके, सो यहाँ पे देखो किस तरीके से उसने यहाँ पे लात मारी थी, ये देखो यहाँ पे सपने में ही। सो कोई डाउट और कॉन्सेप्ट बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, सब्जेक्ट वाइज उसके नाम है, स्टैंडर्ड है, तो सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हिंदी मराठी इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके राइटिंग स्किल की बात करूँ, हिंदी मराठी इंग्लिश की राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, तीनों की, तो आप देख सकते हो। अगर कोई वीडियो ऐसा लगता है कि नहीं बना है या फिर ब्लर है, तो मैंने उसका दूसरा बनाया होगा। अगर नहीं बना है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, बन जाएगा। ओके, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप सजेशन भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रामर समझाया कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पे मैंने डिटेल में ग्रामर नहीं समझाया आपको। ओके, डिटेल में ग्रामर नहीं समझाया, बट अगर आपको चाहिए कि पूरा डिटेल में ग्रामर समझाऊँ, तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है आपको मैथ्स की नीड है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक हो, आपको लगता है जैसे जीके हुआ, वो आपको चाहिए अगर, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और भी स्टोरीज चाहिए, किस तरीके की स्टोरीज चाहिए, आप कमेंट में बताइए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद, उससे क्या होता है जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली वीडियोज़ देख पाओगे। ओके, तो ये आप कर लीजिए और बताइए। सजेशन भी आप दे सकते हो, जिस तरीके से आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, किस तरीके का आपको यहाँ पे, जैसे मैं ग्रामर वगैरह थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, तो आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप भी वो भी बताइए। अगर आपको ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि वेकेशन में आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे तो कमेंट्स आ रहे थे इंग्लिश के, इसलिए मैं इंग्लिश का यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए। ओके, यहाँ पे जो टफ वर्ड है मैं उसका मीनिंग बताते जाती हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं लिख के बताऊँ तो लिख के भी मैं बता दूँगी, आप कमेंट में बताइए। ओके,